गुड मॉर्निंग डियर किड्स, कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम सीखेंगे ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि विपरीत शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। तो आज हम कुछ ऑपोजिट वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये पिक्चर देखकर बताइए बच्चों, क्या है ये? यस, ये है day, डे यानी दिन। और दिन का उल्टा क्या होता है? जी हाँ, night, नाइट। नाइट यानी रात। तो डे का ऑपोजिट होता है नाइट। ये कौन सी डायरेक्शन यानी कि दिशा है? ये है right, राइट। राइट यानी दाया। और दाया का उल्टा क्या होता है? left, लेफ्ट। लेफ्ट यानी बायां। तो राइट का ऑपोजिट होता है लेफ्ट। ये क्या है बच्चों? ये भी है राइट, लेकिन करेक्ट वाला राइट। राइट यानी सही। और राइट का ऑपोजिट क्या होता है? wrong, रॉन्ग। रॉन्ग यानी गलत। तो राइट का ऑपोजिट होता है रॉन्ग। यदि कोई वस्तु किसी डिब्बे के अंदर है तो हम उसे कहेंगे इन, in यानी अंदर। और इन का ऑपोजिट होता है out, out यानी बाहर। इन का ऑपोजिट आउट। ये फेस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? खुश यानी कि happy, हैप्पी। और हैप्पी का ऑपोजिट होता है दुखी, sad, सैड। हैप्पी का ऑपोजिट सैड। चाय कैसी होती है बच्चों? गर्म यानी कि hot, हॉट। और हॉट का ऑपोजिट होता है cold, कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडा। हॉट का ऑपोजिट कोल्ड। इस पिक्चर में दरवाज़ा क्या है? खुला यानी कि open, ओपन। और ओपन का ऑपोजिट होता है बंद यानी कि close, क्लोज। तो ओपन का ऑपोजिट होता है क्लोज, खुला बंद। इस पिक्चर में ये किला कैसा लग रहा है? लंबा है ना, यानी कि tall, टॉल। टॉल यानी लंबा। और टॉल का ऑपोजिट क्या होता है? short, शॉर्ट। शॉर्ट यानी छोटा। टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट, लंबा छोटा। ये हाथी आकार में कैसा है? बड़ा यानी कि big, बिग। और इसकी तुलना में ये चींटी कैसी है? छोटी यानी कि small, स्मॉल। तो बिग का ऑपोजिट होता है स्मॉल, बड़ा छोटा। बच्चों, आपने कछुए और खरगोश के रेस की कहानी तो सुनी होगी ना। उस रेस में कछुए की चाल कैसी थी? धीमी यानी कि slow, स्लो। और स्लो का उल्टा यानी कि खरगोश की चाल कैसी थी? तेज यानी कि fast, फास्ट। तो स्लो का ऑपोजिट होता है फास्ट, धीमे तेज। तो आइए एक बार फिर से इन ऑपोजिट वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। डे का ऑपोजिट होता है नाइट, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट, राइट का ऑपोजिट रॉन्ग, इन का ऑपोजिट आउट, हैप्पी का ऑपोजिट सैड, हॉट का ऑपोजिट कोल्ड, ओपन का ऑपोजिट क्लोज, टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट, बिग का ऑपोजिट स्मॉल और स्लो का ऑपोजिट फास्ट। प्यारे बच्चों, आप भी इन ऑपोजिट वर्ड्स को इंग्लिश और हिंदी में अच्छे से याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।